दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल 3G आप आ रहा है इसे आप 4G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में हम किस तरह से 4G करेंगे जो आप अगर आपका मोबाइल 3G है या 4G है तो इस पर की बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका 3G है या 4G है। तो आइए जान लेते हैं कि हमने किस तरह से 4G अपने ये जो 3G आ रहा है 4G कैसे करना है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि इसका ये फायदा होगा जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले उसे देख पाओ। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने आना है अपनी सेटिंग में। मैं यहाँ पर अपनी सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद आपने जो ऑप्शन यहाँ पर देखना है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपने ढूंढना है नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद आपने यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आपको रिमोडिंग मोस्टली रिफैक्टरिंग नेटवर्क टिप्स और ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क तो यहाँ से जो एक्सेस फ्रॉम नेम तो यहाँ पर आपने जो चॉइस करना है मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने यहाँ से ये वाला चॉइस कर लेना परफेक्टेड नेटवर्क टिप्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना। मैंने ऑलरेडी ये 4G पर है, सिंपली मैं पहले से 3G करूँगा फ्रेंड। सिंपली अब 4G पर क्लिक करता हूँ, वह देख लेना 4G आ जाएगा मेरे मोबाइल में। ये देख सकते हैं तो ये 4G आ चुका है। तो ये मसला एक अगर आपका मोबाइल फ्रेंड अगर 4G हो तो तब 4G होगा, अगर आपका मोबाइल 4G भी नहीं है तो फिर वो कैसे 4G होगा ये आपको मैं बता दूँ। मेरा मोबाइल जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 है इसका जो ये 4G मोबाइल है तो इसका 3G हो जाता है। तो मैं जब भी 3G होता है तो मैं इस तरह से इसे 4G में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है और ऐसी वीडियो और देखना।